पुरखों की खेती बाड़ी संपत्ति मुनाफा इन सब का बंटवारा उन दो भाइयों के बीच होकर रहेगा। एक परिवार जो आपसे भी धनी होने का सामर्थ्य रखता है वो बढ़ जाएगा, और ऐसे में शिरडी के सबसे अमीर आदमी आप ही तो बने रहेंगे। तब आपको पता चलेगा ससुर जी कि इन बहुओं के झगड़े में क्या ताकत है। बेटा, तुमने खुद कहा था कि साईं बाबा के चमत्कार से तुम्हारी लिखित परीक्षा अच्छी गई है। साईं बाबा आगे भी सब अच्छा ही करेंगे। बेटा, मौखिक परीक्षा मत छोड़। बात साईं बाबा पे विश्वास की नहीं है, मैं उन्हें बहुत मानता हूँ, लेकिन हाथों की लकीरों को कोई नहीं बदल सकता, ये भी जानता हूँ। मेरी कुंडली में एक दोष है और वो अपने निर्धारित समय पर ही समाप्त होगा। पूजा पाठ ग्रह दोष का असर कम कर सकता है, समाप्त नहीं कर सकता। अगर किसी चमत्कार से मैं लिखित परीक्षा में सफल हो भी गया तो मौखिक परीक्षा में जरूर विफल हो जाऊंगा। लोग हंसेंगे मुझ पर, इससे तो अच्छा है कि मैं परीक्षा ही ना दूं। कभी कभी अपने डर को दूर करने के लिए इंसान को प्रेरणा की जरूरत पड़ती है। कौन जाने वो प्रेरणा कब और कहां से आ जाए। लेकिन बेटा, आप लोग तो क्या, इस बार कोई भी मुझे मौखिक परीक्षा देने के लिए विवश नहीं कर सकता। बाबू जिद छोड़ दे। आप तो वही अध्यापक है ना जो उस दिन परीक्षा में थे। हाँ, मैं ही था। मेरा नाम कामत है, मैं नासिक जा रहा था, किसी काम से इस धर्मशाला में रुका। तुम लोगों की बातचीत सुनी तो मैं हस्तक्षेप करने से अपने आप को रोक नहीं पाया। क्या तुम मौखिक परीक्षा नहीं देना चाहते? मुझे पता है कि मैं उसमें सफल नहीं होने वाला। तुम्हारा नाम बाबूराव है ना? आपको याद है मेरा नाम? हाँ, क्योंकि पूरी परीक्षा में एक तुम ही थे जिसकी उत्तर पुस्तिका में सारे सवालों के जवाब सही थे। मुमकिन है कि तुम अव्वल आ जाओ, इसी आधार पर कह रहा हूं। अगर मौखिक परीक्षा में कोई सफल हो सकता है तो केवल तुम हो। तुम जैसे होनहार लड़के को तो परीक्षा जरूर देनी चाहिए। आप सच कह रहे हैं? झूठ बोलकर भला मुझे क्या मिलेगा? अब तो मान जा बेटा। साईं बाबा का आशीर्वाद और अध्यापक जी का यहाँ पर अचानक आना, क्या अभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ग्रह तुम्हारे साथ नहीं है? जब आप लोगों का विश्वास मेरे साथ है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं परीक्षा जरूर दूंगा। आई, मुझे अभी परीक्षा के लिए निकलना होगा ताकि पहुंचने में देर ना हो। चले गए।
भगवान ने बड़े मौके से भेजा था हमारी मदद करने के लिए। धन्यवाद सुने बिना ही चले गए। ठीक है, चलो गोपी, चल मेरे साथ। आज से तेरे सारे काम मैं करूंगी। लेकिन क्यों काकी? कितनी बार कहा है मैं तेरी आई हूँ? खबरदार अगर आज के बाद मुझे काकिया किसी और को आई कहा तो। चल स्थिर नहीं है। क्या बताओ साई को, ये तो संत है, कहेंगे जो हुआ भूल जाओ, माफी दे दो। हर गृहस्थी की बातें इन्हें मैं नहीं समझा पाऊंगी। नहीं साई, कोई बात नहीं है। ये बेकार है। ये ठीक है। दमयंती और आनंदी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये घर हम सबका है, जहाँ चार लोग साथ रहते हैं वहां कभी कहां सुनी हो जाती है। जहां चार बर्तन होंगे वहां आवाज तो होगी ही, लेकिन ये आवाज घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। जो भी हुआ है उसे भूलकर एक नई शुरुआत करो।
हमने तो हमारी गृहस्थी जी ली, अब इस घर का भार तुम दोनों के कंधों पर है। अब तुम दोनों को ही ये घर संभालना है, इसे सवारना या उजाड़ना ये तुम दोनों के हाथ में है। अब ये वाली खाद दे दो, ये बेकार खाद है। ये वाली दो, ये महंगी है पर सबसे अच्छी है ये, फिर इसे खरीदेंगे हम। ये वाली दे दो। हो जाएगा, ये काफी मुश्किल होगा गोदावरी जी, लेकिन एक बार ये दौर सफलतापूर्वक गुजर गया तो आपके परिवार की अखंडता को कोई ताकत तोड़ नहीं पाएगी। आपके घर में सुख शांति होगी, बस आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जल्द ही आपके बच्चे अपना सबक सीख लें। साईं, यदि इनकी इच्छा है तो आप इस घर का बंटवारा कर दीजिए। ये काम इसका नहीं, मेरा है। ये तो फकीर है, सांसारिकता से दूर। इसे कहां ज्ञात होंगे संसार के नियम कानून। और इस गांव का मुखिया होने के नाते ये देखना मेरी जिम्मेदारी है कि बंटवारा बराबर हो, समान रूप से हो। हरिओम। परंतु साहिब, मुझे केवल आप पर भरोसा है, आप ही बंटवारा कीजिए। गंगाधर जी, मैं तो बैरागी हूं, मेरा काम है लोगों को जोड़ना। कुलकर्णी सरकार ठीक कह रहे हैं, ये गांव के मुखिया हैं, ये काम इन्हें ही करना चाहिए। मुझे उम्मीद है सरकार बंटवारा बराबरी का करेंगे। तू चिंता न कर बैरागी, तू चिंता न कर, मैं सब कुछ बराबर बांटूंगा, समान रूप से बांटूंगा। चलो शुरू करो। चलो
चलो घर तो बट गया, अब खेत भी दो भाइयों में बांट देता हूं। नहर के तरफ का जो हिस्सा है वो होगा चिंतामणि का, और सड़क की तरफ का जो है वो होगा त्रंबक का। हरिओम। साई, मेरे बाप दादाओं का घर, खेत सब पट गए। मैं असफल रहा एक पिता के रूप में। जिंदगी अभी बाकी है गंगाधर जी, जो लकीर आज खींची गई है कल को मिट भी सकती है। आप बस सबूरी रखिए। मैं भी देखता हूं कि रेखा कैसे मिटाता है तू। मैंने अभी तक यह तय नहीं किया कि माता पिता किसके पास रहेंगे। सब कुछ तो बांट दिया तुम दोनों ने, अब हमारा बंटवारा भी होने दो। कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने जो किया अपने हक के लिए किया, अपने आत्मसम्मान के लिए किया, फिर मुझे इतनी ग्लानि क्यों हो रही है? ऐसा क्यों लग रहा है कि जो हो रहा है वो सही नहीं है? क्यों मुझे लग रहा है कि मैंने गलत किया है? तुम ना भी कहो अम्बा, पर तुम्हारे चेहरे से साफ झलक रहा है ग्लानि हो रही है। क्यों अम्बा, उनके साथ ये सब होना जरूरी था। अब उन्हें समझ आएगा तुम्हारा दुख, अब उन्हें तुम्हारा महत्व नजर आएगा। लेकिन बहनी, मुझे तो बुरा लगेगा ना, वो है तो मेरा ही परिवार। काश अम्बा वो भी तुम्हें अपने परिवार का एक हिस्सा मानते। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने ऐसा किया ही क्या है जो तुम्हें पछतावा हो रहा है। क्या तुमने उन्हें लड़ने पे मजबूर किया? नहीं ना, उनके मन में आपसी कलह, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना पहले से थी अम्बा। तुमने तो बस उनकी उस एकता के दिखावे से पर्दा उठाया है। वो अपनी मर्जी से अलग हुई है अम्बा, तुम अपने आप को दोष देना बंद करो। जब तुम्हारी बहनियां एक थी तब वो तुम पे हुक्म चलाया करती थी, तब उनका राज हुआ करता था, लेकिन अब तुम राज करोगी अम्बा। क्योंकि भले ही तुम्हारे परिवार का बंटवारा हुआ हो, लेकिन तुम्हारे लिए तो तुम्हारे दोनों भाइयों के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। तो जाओ मजे करो और उन दोनों को सबक सीखने दो। जब सारा घर का काम वो अकेली करेंगी ना, तब उन्हें समझ आएगा कि तुम ससुराल में क्या क्या झेलती थी। समझी? हाँ, चलती हूँ। ना ससुर जी, जैसे मैंने कहा था, जोशी परिवार पूरी तरह टूट चुका है। मैंने तो अपना कहा वादा पूरा कर लिया, अब आपने किया हुआ वादा कब पूरा कर रहे हैं? हरिओम हरिओम बहू, मैंने तुमसे पहले ही कहा था इन ननन और भाभियों के झगड़े में मुझे कोई रुचि नहीं है। मुझे केवल रुचि है तो जोशी परिवार के आर्थिक नुकसान में, और वो नहीं हो रहा है। हरिओम। ससुर जी, उनकी संपत्ति अब दो हिस्सों में बट गई है,
इसका मतलब आर्थिक रूप से तो वो आपसे पिछड़ गए हैं ना? आज अलग हुए हैं लेकिन कल एक भी तो हो सकते हैं। वो पाखंड उनके साथ है, वो तो अवश्य कोशिश करेगा कि वो फिर से एक हो जाए। और यदि वो फकीर कामयाब हो गया उसकी कोशिश में, तो इस साल जोशी परिवार फसल के बूते पर पैसों के मामले में मुझसे आगे चला जाएगा। मुझे कुछ ऐसा करना था जिससे वो फकीर भी कुछ ना कर सके, जैसे उनके खेतों में फसल के साथ बुरा हो। लेकिन जाने दो बहू, ये सब कुछ तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम केवल घर की औरतों को लड़ाती रहो। आपको क्या लगता है ससुर जी, मैंने ये सब सोचा नहीं है? अम्बा कह रही थी कि उनके पास खेतों में डालने के लिए खाद नहीं है, फसल पे छिड़कने के लिए दवा नहीं है। अब आप ही बताइए मुझे, जब उनके पास खाद नहीं है, दवा नहीं है, तो उनके फसल और कितने दिन खड़े रहेंगे? ससुर जी, मैं उस रंभा या आनंदी जैसी बहू नहीं हूं जिसे चूल्हे चौके के अलावा और कुछ नहीं सोचता। और वैसे भी मुझसे शिकायत करने के बदले आप खुद कुछ क्यों नहीं करते? मुझे भी देखने का मौका मिले कि आप क्या क्या करने में सक्षम है। मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याओ, अब मुझे दिखाना ही पड़ेगा कि किसे कहते हैं 100 सोनार की और 1 लोहार की। कल उसके पास मजदूर होंगे लेकिन फसल नहीं होगी, उसका भी वही हाल होगा जो चिंतामणि का हुआ है। संता जी सरकार, जानते हो ना क्या करना है? जी सरकार। चलिए। चलो। क्या किया आपने चिंतामणि के साथ? बीती रात बहुत ओस पड़ी थी बहू, फसल नष्ट होने का संकट था। ये रसायन फसलों के लिए विष समान है। एक रात में लहलाती फसल को नष्ट करने की क्षमता है इसमें। चिंतामणि के खेतों में डाल दो इसे, उसे लगे का ओस के कारण उसकी फसल नष्ट हो गई है। अरे सुरजी, सिर्फ चिंतामणि क्यों, चंबक के खेतों में क्यों नहीं डलवाया? हरिओम हरिओम, कितनी भी कोशिश कर लो बहू, आखिर औरत ही तो हो। तुम्हारे ये सब पल्ले नहीं पड़ेगा, तुम नहीं समझ पाओगी। लेकिन फिर भी बता देता, त्रंबक होशियार है, ज्ञानी है, वो समझ जाता। चिंतामणि को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। और रही बात त्रंबक के फसल की, तो उसके लिए मैंने दूसरी व्यवस्था कर रखी है। संता जानता है उसे क्या करना है। हरियो अब
अपने कर्म हमेशा अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि जो हम बोते हैं वही काटते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।